क्या जियो एयर फाइबर के साथ 5G की रेस को जीत गया। हाल ही में जियो ने अपना एयर फाइबर निकाला, एयरटेल ने भी अपना एयर फाइबर निकाला, लेकिन बात की जाए तो क्या सच में ये फाइबर ऑप्टिक केबल का रिप्लेसमेंट है? क्या जियो और एयरटेल में जो 5G की लड़ाई चल रही थी, क्या ये एयर फाइबर तक एक्सटेंड हो गई है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिटीज की, जियो का 5G ऑलरेडी अवेलेबल है 7500 सिटीज में और एयरटेल है 5000 शहरों में और वोडाफोन आइडिया अभी तक सिर्फ टेस्टिंग ही करते रहे हैं। लेकिन बात करें तो जियो का 5G बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, पिछले साल लॉन्च किया था और लग रहा है कि इस साल के एंड तक दोनों ही जो कंपनीज है पूरे इंडिया में हर जगह 5G को ले जाएंगी। लेकिन 5G के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? देखो अभी भी देखा जाए तो 5G कनेक्टिविटी हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड आती है, कहीं काफी कम आती है। और अगर आप कभी भी घर के अंदर बैठे हो किसी भी अंदर वाले कमरे में तो वहाँ 5G की स्पीड्स आएंगी तो कभी कम आएंगी कभी ज्यादा आएंगी, और कभी कभी लगता है कि यार यहाँ पे तो 4G ही काफी ज्यादा बेटर चल रहा था। और तो और ये भी है कि घर में जब लोग रहते हैं तो 5G और 4G से ज्यादा घर के वाईफाई का यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वाईफाई ऑब्वियसली आपको ज्यादा स्टेबल स्पीड देता है और ज्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, पिंग भी कम आता है और वो एक बेटर और रिलायबल कनेक्शन रहता है एज कम्पेयर टू आपका मोबाइल फोन नेटवर्क। लेकिन शायद एयर फाइबर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके कारण दोनों कंपनीज मार्केट के अंदर 5G का पेनिट्रेशन थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब एयर फाइबर का सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कि बेसिकली एक वाईफाई हॉटस्पॉट है जिसके अंदर 5G की सिम डली रहेगी, वो डिवाइस 5G नेटवर्क से कनेक्ट होगा, वाईफाई हॉटस्पॉट बना के आपके घर को 5G कवरेज देगा। ये सिंपल से कंसेप्ट का डिवाइस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल का भी एयर फाइबर मैंने यहाँ पे चेक किया था, वो बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर एक 5G की सिम कार्ड लगेगी और घर के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे 5G का सिग्नल अच्छे आ रहे हो, वहां पे उसे प्लेस कर दिया जाता है और वहां से वो हॉटस्पॉट बना के आपको 5G प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। लेकिन हमें पता है एयरटेल का जो 5G नेटवर्क है वो नॉन स्टैंडर्ड लोन है, उसमें हाई स्पीड्स आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती, इसलिए जो एयरटेल उसके अंदर 100 Mbps की स्पीड को प्रॉमिस करता है। ऊपर से बात करें एयरटेल उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेता है और 6 महीने के रिचार्ज भी लेता है, यानी कि वो डिवाइस थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। बेसिकली पर्टिकुलर जो डिवाइस होता है ना वो एयरटेल को लगभग 10,000 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन एयरटेल टेक्निकली आपको सिर्फ लोन पे दे रही है, जब तक आप उसका यूज करोगे सर्विस का वो डिवाइस आपके पास रहेगा। खैर देखा जाए तो जियो ने चीज सबसे पहले अनाउंस करी थी, लेकिन एयरटेल इसे सबसे पहले ले आया, लेकिन लिमिटेड जगह मिल रहा है, सिर्फ दिल्ली और मुंबई में अवेलेबल है, ऊपर से थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, ऊपर से स्पीड भी 100 Mbps की। लेकिन भाई बात करें तो जियो के एयर फाइबर का कॉन्सेप्ट क्या? देखो जियो का एयर फाइबर थोड़ा सा डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। जियो के एयर फाइबर में आपको एक डिवाइस नहीं दो डिवाइसेस मिलेंगे, एक आउटडोर डिवाइस मिलेगा, एक मॉड्यूल होगा जिसे आप घर के बाहर सेटअप करेंगे। बेसिकली जियो के इंजीनियर्स आएंगे आपके घर में, वो आपके घर में जियो एयर फाइबर को सेटअप करते हैं। एक मॉड्यूल रहेगा जो घर के बाहर सेटअप होगा, वो डायरेक्टली आपके 5G टावर से कनेक्टेड रहेगा, उसमें से केबल रहेगी वो एक वाईफाई राउटर तक आएगी जो जियो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो कि वाईफाई 6 बेस्ड होगा। इस कंसेप्ट का बेसिक बेनिफिट यहाँ पर ये रहेगा कि कनेक्टिविटी आपको बेटर देखने को मिलेगी, यानी कि जो आउटडोर मॉड्यूल होगा वो डायरेक्टली जब टावर के रेंज में होगा, हो सकता है लाइन ऑफ साइट में हो, तो आपको बेटर सिग्नल रिसेप्शन देखने को मिलेगा, जिस कारण से अल्ट्रा हाई स्पीड का 5G अवेलेबल करवाया जा सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि शायद जियो इसके अंदर मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही हो। अब आप खुद ही सोचिए, कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आती है कि जियो ने अपना मिलीमीटर वेव 5G को रोल आउट कर दिया है, लेकिन इंडिया में कोई भी फोन अभी अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जियो एयर फाइबर में स्पेशल मैक्स प्लान है जिसके अंदर 1 Gbps की स्पीड प्रॉमिस की जा रही है। हालांकि जियो सबसे गीगाहर्ट्ज में भी 1 Gbps तक की स्पीड दे सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली 1 Gbps की स्पीड अगर प्रोवाइड करनी है ना, उसके लिए आपको शायद मिलीमीटर वेव होना जरूरी है। और यहाँ पे जियो एयर फाइबर मैक्स के बारे में बोला गया है कि इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड एरियाज के अंदर रखी गई है। इसके साथ ही बात किया तो ये जियो एयर फाइबर जियो फाइबर से किस तरीके से अलग है। देखो बेसिकली जियो फाइबर में एक फाइबर ब्रॉडबैंड की लाइन आती है आपके घर तक, और वायर्ड लाइन के अंदर जो इंटरनेट होता है ना, उसकी क्वालिटी को कोई भी वायरलेस बीट नहीं कर सकता। और हमेशा जियो का जो फाइबर रहता है, इवन एयरटेल का भी जो एक्सट्रीम फाइबर रहेगा, वो उनके एयर फाइबर से हमेशा बेटर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये बात जियो को भी पता है। जियो ने काफी साल पहले अपना जियो फाइबर जब इंट्रोड्यूस किया था, तब वो तेजी से पॉपुलर हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा घरों तक उसने अपनी रीच यहाँ पर बना ली।
बहुत अच्छा काम है, लेकिन जियो को पता है कि मार्केट की डिमांड और ज्यादा है और ज्यादा वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते। काफी जगह फाइबर की लाइन नहीं पहुंच पाती और ऐसे काफी सारी दिक्कतें हैं जिस कारण से हर जगह फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंच नहीं पाए। चाहे हम जियो की बात करें, एयरटेल, कुछ जगह जियो मिलता है, कुछ जगह एयरटेल नहीं है, कुछ जगह एयरटेल है, कुछ जगह जियो नहीं है और कुछ जगह दोनों ही प्लेयर्स नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयर फाइबर को बनाया उन्होंने। बेसिकली अपने 5G नेटवर्क का यूज करेंगे और फाइबर जैसी स्पीड्स को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिस कारण से इनका टारगेट है 200 मिलियन तक कस्टमर्स तक पहुंचने का जो अभी फाइबर ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड नहीं है। और बेसिकली जो इतना मोटा खर्चा करके 5G का स्पेक्ट्रम लिया है ना, उसको और बेटर यूटिलाइज करने का। क्योंकि अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात करूं, 5G में अभी भी हीटिंग होती है, स्पीड्स अभी भी इनकंसिस्टेंट है और हर एक फोन 5G के अंदर अलग तरीके से बिहेव करता है। किसी किसी फोन में बहुत अच्छी स्पीड आती है, किसी किसी फोन में इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती, कई बार नेटवर्क रिसेप्शन ऑटोमेटिकली 4G हो जाता है। तो यार ये सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन एयर फाइबर के साथ अगर घर में अगर किसी को अगर फाइबर ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड चाहिए विथ लो लेटेंसी, जियो का एयर फाइबर एक कंसेप्ट कहाँ पे काफी अच्छा है। हालांकि सरप्राइजिंग बात ये थी कि जियो ने डायरेक्टली इसके पेड प्लान्स निकाल दिए, वो डायरेक्टली प्रीमियम वाले मॉडल पे गए नहीं। देखो बेसिकली अभी का जो जियो एयर फाइबर है ये सिर्फ 8 cities के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि अपने जो प्लान्स निकाले ना वो ऐसे कंपेटिटिव निकाले जो उनके रेगुलर जो जियो फाइबर के प्लान्स होते हैं मैच करता है। यानी कि एग्जैक्ट सेम प्राइस के अंदर आप सिमिलर स्पीड्स अचीव कर सकते हैं, यहां तक कि आपको इसके अंदर OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन, जियो का सेट टॉप बॉक्स और जो जियो का जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो भी जियो यहाँ पे पुश करने में लगा हुआ है। यानी कि जियो को सिर्फ यहाँ पे इंटरनेट आपको नहीं बेचना है, उसको पूरा का पूरा इकोसिस्टम बेचना है। हालांकि बात करें तो अभी समय जो जियो का इम्प्लीमेंटेशन है वो एयरटेल से बेटर लग रहा है। एयरटेल जो कि सिर्फ एक वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस था, जो कि इतना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं लगता, क्योंकि घर के अंदर आप उसे प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आएगा, आपको कंसिस्टेंट स्पीड नहीं मिलेगी। इसलिए एयरटेल ने 100 Mbps की स्पीड प्रॉमिस करी थी। लेकिन जब जियो एक घर के बाहर एक मॉड्यूल लगाता है जो डायरेक्टली उसके टावर से कनेक्टेड है, तो आपको बेटर स्पीड्स भी देखने को मिलती है। और हाँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड स्पीड की नहीं अपलोड स्पीड की बात कर रहा था, क्योंकि जो जियो एयर फाइबर है ना ये कुछ महीनों से ऑलरेडी मुंबई के अंदर टेस्टिंग में है और वहां पे लोगों को काफी अच्छा और कंसिस्टेंट स्पीड देखने को मिली थी। मतलब कि स्पीड जो उनके मोबाइल फोन पे आती है उससे बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी भी बात करते हो सिर्फ 8 cities लिमिटेड है, लेकिन मैं जियो को जानता हूँ, अभी 8 है लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये हर जगह फैल जाएगा और डेफिनेटली हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी होगी। और खास तौर पे बेटर ये चीज रहेगी कि जैसे जियो का प्लान है पूरे इंडिया को 5G करने का, एक बार सारी सिटीज 5G हो गई ना, उसके बाद जियो एयर फाइबर को आप हर जगह यूज कर पाएंगे। यार ये एक काफी सही चीज होगी। मतलब कि अभी क्या है कि ज्यादातर बड़े शहरों में अवेलेबल है, वहां पे ऑलरेडी फाइबर ब्रॉडबैंड मिलता है, लेकिन जो छोटे शहर है जहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहां पे डिवाइस बहुत जबरदस्त हो सकता है। वहां पे अगर जियो ने अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया और कंसिस्टेंट स्पीड्स अगर प्रोवाइड करे तो एक बेटर चीज हो सकती है। देखते क्या रहता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो 5G का इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये आपके मोबाइल फोन वाले 5G से थोड़ा बेटर है, क्योंकि मोबाइल फोन में लगता है कि अभी भी 5G उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जैसा उसके साथ प्रॉमिस किया गया था। लेकिन इस वाले फील्ड के अंदर 5G का एक बेटर यूज हो सकता है। बस बात ये लगती है कि जैसे जियो ने काम किया है ना, ऐसे एयरटेल वाले भी काम कर अपने डिवाइस को बेटर बनाए, प्लस इसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा शहरों तक ले जाए। और हाँ यार, वोडाफोन आइडिया के साथ भी है कि कम से कम अब तो अपना 5G लॉन्च कर दो यार, 1 साल होने को आ गया है, अब बहुत हाई टाइम है कि वोडाफोन आइडिया अपना 5G यहाँ पर लेकर आ जाए। अगर ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कहीं मत जाना सब्सक्राइब किए हुए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।